क्योंकि अंकित सर ने इतना प्यार से बुलाया है, कुछ तो बोलना पड़ेगा। मैं सभी, क्योंकि आज सब स्पोर्ट्स के लिए इकट्ठा हुआ है, यहाँ पे गैदर हुआ है, तो सबको मैं एक ही लाइन पे सबको मैं अपना रिगार्ड्स रेस्पेक्ट सबके लिए, मैं मंच पे उपस्थित जितने भी सीनियर ऑर्गेनाइजर्स है, व्यक्ति हैं, सबको मैं मेरी तरफ से बहुत बहुत रिगार्ड्स कन्वे करता हूँ। मैं जब आ रहा था, मैं सोच रहा था कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ जा रहा हूँ, कैसे किस तरह से होगा, और यहाँ आके इतना अच्छा एनवायरनमेंट मिला। और सर, आपका नाम सर? इंद्रवीर सर ने जिस तरह से वेलकम किया, जिस तरह से बोला, आज तक शायद इतना अच्छा से किसी ने नहीं बोला होगा। थैंक यू सो मच सर। इंटरनेशनल होस्ट, इंटरनेशनल अनाउंसर आपके यहीं पे है, याद रखेंगे सर आपको हमेशा के लिए। थैंक यू सो मच। बच्चे लोग के लिए, क्योंकि मैं भी खिलाड़ी हूँ, यूपी से बहुत ज़्यादा लगाव है, और मैं भी एक छोटा सा गांव से ही आया हूँ, छोटा सा शहर, इस तरह बांदा जैसे शहर से आया हूँ। बहुत सपना था, सब बच्चे के अंदर सपना होता है, तो मेरा अंदर भी था। और मैं उसी से तीन कहानी सुनाता हूँ, अगर समय है तो आप लोगों के पास, छोटे छोटे तीन कहानी, जो शायद आप लोग इधर नज़दीक आ जाओ, इतना दूर से सर मेरे को लग रहा है सुन नहीं पा रहे। वॉलीबॉल खिलाड़ी हो, इसमें सब क्वालिटी चाहिए, जंप, एग्रीटी, स्पीड, कोऑर्डिनेशन, तो आप लोग ऐसे खिलाड़ी हो जो इस तरह का टैलेंट सबके पास नहीं होता है। तो देते ना, हम पीछे से बहुत ज़्यादा खराब बोलते थे उनके लिए, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि बिल्कुल सर, मैं जॉइन फैमिली से बिलोंग करता था। तेजपुर एक ऐसा ही शहर है, बहुत छोटा सा है, वहाँ पे वॉलीबॉल बहुत कम खेलते थे। असम गवर्नमेंट ने एक कोच, असम गवर्नमेंट के स्टेट कोच को तेजपुर अपॉइंटमेंट दिया। वो उनका पिताजी डॉक्टर थे, तो उनको भी डॉक्टर होने का मन था, लेकिन उनके अंदर जुनून था कि वो कोच ही बनना है उनको, और उन्होंने डॉक्टरी पढ़ने के लिए छोड़ के NIS कोच बन के तेजपुर में उनका अपॉइंटमेंट हुआ। उनका मन था कि पूरे नॉर्थ ईस्ट से आज तक किसी प्लेयर ने इंडिया नहीं खेला है, इंडिया कलर, इंडियन रिप्रेजेंट किसी ने वॉलीबॉल में नहीं किया है। उनका एक ही सपना था कि एक प्लेयर यहाँ से इंडियन टीम तक भेजे। वो सपने के साथ वो कोच मेरे वहाँ पे आए तेजपुर। उस समय मैं बैडमिंटन खेला करता था, तो सर आके वॉलीबॉल प्लेयर बनाना है, सब बोलते हैं कि हाइट चाहिए। इसके बाद भी मैं एक और कहानी सुनाऊंगा उसके साथ रिलेटेड, हाइट नहीं चाहिए। तो उनका मन में था कि आसाम में हाइट कम होता है, तो एक प्लेयर ऐसा चाहिए जो हाइट होना चाहिए उसको, लेकिन हाइट होने के बाद अगर उनको हम लोग पकड़ेंगे तो बहुत लेट हो जाएगा उनको अगर लेके आएंगे। तो उनका मन था हाइट प्लेयर कैसे मिलेगा, तो उनका सोच देखो, उन्होंने तेजपुर में जितने भी जूते का दुकान था, स्पोर्ट्स शू स्टोर, सब में गया, सब दुकान में जाके पूछा, इसमें 10 नंबर का जूता कोई पहनता है? तो सब में जवाब आया कि नहीं। लास्ट में एक दुकान में जब जाके वहाँ पे पूछा, तो उन्होंने बोला एक बंदा है तेजपुर शहर में जो 10 नंबर जूता पहनता है। तो उन्होंने बोला कौन है? तो पता लगा कि वो मेरे पिताजी थे, जो मेरे पिताजी भी मेरे जैसे हाइट के थे। तो उनका बेटा है कि नहीं, कोई बच्चा है कि नहीं, कोई बेटी है कि नहीं, पता लगा कि उनका एक बेटा है 10 साल का है। तो वहाँ से जाके उन्होंने मेरे को आइडेंटिफाई किया कि ये इनका अगर बेटा होगा तो ये भी जरूर लंबा होगा। तो वहाँ से जाके उनको मेरे को पकड़ के, मैं उस समय बैडमिंटन खेलता था, तो मेरे को वॉलीबॉल में लेके आया। और मैं स्मार्ट नहीं था, बिल्कुल ही स्मार्ट नहीं था, मेरे को बोलना नहीं आता था और शर्मा जाता था। क्लास में लास्ट सीट में बैठता था, 10 नंबर आता था, बहुत मुश्किल से पास होता था। तो ये सब बहुत सारा इनकॉन्फिडेंस, सब कुछ अंदर घुसा हुआ था। जॉइंट फैमिली था, क्योंकि पढ़ाई में अच्छा नहीं था, कोई भी आके दो थप्पड़ लगा के चला जाता था, क्योंकि किसी काम का नहीं था ये। तो जब मैं बैडमिंटन खेलने गया, तो कोच ने मुझे बुलाया ऐसा करके। बहुत सारे लड़के जो गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून बोलता है सर को, वॉलीबॉल कोच को, उनको लोग गया पहले, क्योंकि मैं कुछ बोलता नहीं था, मैं शर्मा के दूर से चला जाता था। तो लास्ट में मुझे बुलाया, आके मुझे बैठा के उन्होंने बोला कि तुम बैडमिंटन में किससे जीतते हो? सर, दो चार से हार जाता हूँ, बाकी सबसे जीतता हूँ। बोले तुम यहीं पे हार जाओगे तो बाहर जाके कैसे जीतोगे? तो मुझे कुछ पता ही नहीं बाहर क्या होता है, बाहर कहाँ जाना होता है, कहाँ जीतना होता है, खेलना अच्छा लगता था, उसलिए खेल लेते। तो सर ने बैठा के बोला कि तुम अगर वॉलीबॉल खेलोगे
तुमको उत्तर प्रदेश हिमाचल प्रदेश जैसा शहर मतलब देश जानेगा, मतलब ऐसा एक राज्य तुमको जानेगा, तुमको देखने को मिलेगा, तुम वॉलीबॉल खेलो तुम अच्छा कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बोला। तो मैं लास्ट में पूछा सर फीस कितना है, तो मेरे सर बोलते तुम बैडमिंटन में कितना फीस देते हो, सर 1998 का बात है मैं 20 रुपया देता था और वो बहुत ज़्यादा हमारे लिए मतलब काफ़ी एक्सपेंसिव था, क्योंकि मेरा फादर भी साइकिल ही चलाते थे, छोटे मोटे काम करते थे। तो बोलता है अगर वहाँ 20 रुपया देते हो तो यहाँ पे 2 रुपया देना है मैंने। तो मैं वापस घर गया, मेरी सिस्टर मेरे को बहुत सपोर्ट करते थे, उनको बोला कि ऐसा एक कोच है मुझे वॉलीबॉल खेलने के लिए बुलाया है। तो मेरा सिस्टर का भी पहला बात था कि फीस कितना है, बोले यार 2 रुपया, बोला चलो यही खेलो यही अच्छा है, लो कॉस्ट गेम है इसको खेलो। तो मैं अगले दिन से वॉलीबॉल ग्राउंड से शुरू हो गया और खेलते खेलते, क्योंकि वो सर का मेरा गुरु का सपना था कि एक प्लेयर भेजना है, तो उन्होंने सबको सेक्रीफाइस करना सिखाया कि हम सबको सेक्रीफाइस करना है ताकि एक प्लेयर आसाम से जाके नॉर्थ ईस्ट से जाके इंडियन टीम का जर्सी पहने। और उनके दिमाग में जब भी कोई एक्सरसाइज आता था कि इससे जंप बढ़ेगा, तो पहले वो मेरे ऊपर नहीं लागू करते थे, मेरे सीनियर्स के ऊपर लागू करते थे ताकि वो कहीं गलत एक्सरसाइज ना हो जाए, कहीं एक प्लेयर निकला उसका खराब ही ना हो जाए। तो बहुतों ने सेक्रीफाइस किया, तब जाके 6-8 साल प्रैक्टिस करने के बाद मेरे को पहली बार इंडियन टीम का कॉल आया था। पटियाला में गए हम लोग, स्कूल एशियन चैंपियनशिप के लिए सिलेक्शन ट्रायल था, पहली बार इंडोर दिख रहा था, पहली बार आसाम से बाहर गया था और अलग अलग बॉल था, लेकिन उस स्टेडियम के बाहर लोग भरे पड़े हुए थे, प्लेयर्स भी थे, उनके पेरेंट्स भी थे। हम लोग आसाम से जैसे जैसे आके दिल्ली पहुँचे, वहाँ गए और सिलेक्शन शुरू हुआ, 200-300 बच्चे थे, तो वहाँ से शुरुआत हुआ। और उसके बाद खैर बहुत सारे मौका मिला, खेलते गए इंडियन टीम से 10-12 साल खेले, तो जैसे में नौकरी मिला, मेरे फादर साइकिल चलाते थे तो एक गाड़ी उनको भेंट किया, सब कुछ वॉलीबॉल के कारण से ही हुआ और बाकी तो सब हिस्ट्री है। यूपी से खेलने का मौका मिला, यूपी में आप लोग सब जानते होंगे, यूपी में कोई यूपी स्टेट से बाहर वाला आने के बाद वो कैप्टन कभी नहीं बन सकता है, खेल सकता है लेकिन कैप्टन कभी नहीं बनाएगा। तो उन्होंने इतना प्यार दिया कि मुझे कैप्टन बनाया यूपी टीम का। और 2000 हम लोग 2001-2002 में खेले, काफ़ी सारे मैचेस खेले, नेशनल गेम्स में हम लोग यूपी को सिल्वर मेडल दिलाया। तो आज भी मेरे सबसे ज़्यादा दोस्त यूपी से ही है और आसाम से चल रहा है ज़्यादा दोस्त है मेरे यूपी में, हर जगह जाता हूँ तो हर डिस्ट्रिक्ट में कोई ना कोई मेरे मिल ही जाता है। तो ये जो सपना होता ना, कभी कभी मन में आप लोग का भी लगेगा कि शायद मैं प्लेयर नहीं बन पाऊंगा, अचानक एक दिन लगेगा अच्छा खेलने से रात को जाके लगेगा कि मैं प्लेयर बन सकता हूँ। तो ये अगर आपके मन में आ रहा है ना, तो आप लोग सही दिशा में हो, इसके मतलब आप लोग सोच रहे हो। और हर जगह से प्लेयर निकल के अगर मन में है ना, इसीलिए मेरा दूसरा स्टोरी आर कामराज के बारे में आप लोग ने सुना होगा कि नहीं पता नहीं, तमिलनाडु के खिलाड़ी है,